यार इतने ज्यादा 45 स्कोर कर चुका पांडे ने, राइट? इतने ज्यादा रन के साथ किसी का क्या मुकाबला हो सकता है? डिबेट ही गलत है। कोहली जो है इतने लोगों की जिंदगी में टोटल मैच नहीं होता जितनी उसकी सेंचुरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बात तो सही है। देखो हमारे कोई प्लेयर है वो टीम में इंटर होने की जगह जगह बनाता है, दो दफा 50 मारेगा हम भी नारे लगाते हैं छा गया बाबर छा गया। ये मुझे विराट कोहली सबसे अच्छा लगता है, बाबर आजम मुझे अच्छा नहीं लगता। कोहली का तो कंपैरिजन मॉडर्न एरा के किसी प्लेयर के साथ नहीं बनता, किसी भी प्लेयर के साथ नहीं बनता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ट्विट बेटी स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल सोशल मीडिया साथ पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी खबर सनसनी चल रहा है दोस्तों, वो है पाकिस्तान का फेमस क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि विराट कोहली नंबर वन खिलाड़ी है और पाकिस्तान का बाबर आजम विराट कोहली के आगे कुछ भी नहीं। दोस्तों इस बारे में पूरे पाकिस्तान में ये खबर तेज हो चली है। दोस्तों इस बारे में आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। यार इतने ज्यादा 45 स्कोर कर चुका पांडे ने, राइट? तो अगले 5 सालों में इंशाल्लाह 30 कर जाएगा और मैं जो चाहता हूं वो 120 करे और 110 तो करे ही करे। देखिए इतने ज्यादा रन के साथ किसी का क्या मुकाबला हो सकता है? डिबेट ही गलत है। और अभी बाबर पीछे लगा हुआ है और बहुत अच्छा है कि हेल्दी कॉम्पिटिशन आ रहा है। बाबर अगर विराट को बीट करना चाहते और उसे आगे निकलना चाहते हैं बेशक उसको रन चेस में जाना पड़ेगा, उसको रन चेस में वो शोक करने पड़ेगा जो विराट कोहली करने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बाबर आजम गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान ऑफ ऑल टाइम हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। कोहली जो है इतने लोगों की जिंदगी में टोटल मैच नहीं होता जितनी उसकी सेंचुरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो कोहली का तो कंपैरिजन मॉडर्न एरा के किसी प्लेयर के साथ नहीं बनता, किसी भी प्लेयर के साथ नहीं बनता, एटलीस्ट अभी तो नहीं बनता। हाँ डाउन द लाइन कोई 4-5 साल परफॉर्म कर दे और एटलीस्ट उसकी भी 50 इंटरनेशनल सेंचुरियां हो, मिनिमम 50 हो, तो फिर कोहली के साथ अब कंपैरिजन उसका शुरू करें जो ऑलरेडी 75 पे बैठे हुए हैं आई थिंक, और तमाम फॉर्मेट्स में 50 प्लस की एवरेज है। और चेस में सबसे बड़ी बात है कि चेस में विराट कोहली की 90 प्लस की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा का ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है? और ये वो बंदा है जिसने लीग के आईपीएल के एक सीजन में 1000 रन किए थे, आई गेस इतना किया हुआ एक दफा उन्होंने। तो कायद आजम ट्रॉफी या कोई रणजी ट्रॉफी में कोई 1000-1500 स्कोर कर लेना तो मेरा ख्याल है वो बड़ी अचीवमेंट होती है। तो T20 की एक लीग में 1000 रन करना तो उसका अभी मॉडर्न एरा में जिस तरह की उसने बैटिंग पीक को टच किया उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो खेल रहा है अभी तक, ठीक है? हमारे यहाँ क्या सीन होता है, हमारे दो शोएब अख्तर क्यों नहीं खेल रहा? इधर सुने सर, उसे ये लगा कि मुझसे बेहतर एक बॉलर है, उसने अपनी जगह खुद प्लेस छोड़ी। उसके साथ हो क्या रहा है पता है आपको? जी क्या हो रहा है? क्या ये मुल्क उनको देता है कुछ? दिया उसने यार, वो देखो अब उसने एक बात किया बाबर वाली बात की, उसने बाबर वाली बात किया कि नहीं जो वो कहते हैं आप एज अ बॉलर क्या देखते हो, बॉलर के लिए हर बंदा बैट्समैन हो या बॉलर उसके लिए सेम आम बंदा ही होता है। अब उसने बात गलत होने की और अब हमने क्या से क्या कर दिया? मैं ये कहना चाहता हूं अगर वो लॉट ऑफ वर्क करके आ गया है पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो हमारे कोई प्लेयर है वो टीम में इंटर होने की जगह बनाता है, दो दफा 50 मारेगा हम भी नारे लगाते हैं छा गया बाबर छा गया। ये क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।